भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले 2022 T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी, वहीं इसके बाद टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। इन दोनों सीरीज को T20 विश्व कप के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में अर्शदीप सिंह टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे, वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार नहीं दिखेंगे। ये तीनों खिलाड़ी T20 विश्व कप का अहम हिस्सा हैं। ऐसे में इन तीनों खिलाड़ियों को अहम सीरीज के पहले आराम क्यों दिया जा रहा है और उनकी फिटनेस की रिपोर्ट को लेकर हम आपको इस वीडियो में कई अहम बातें बताने वाले हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। T20 विश्व कप 2022 से पहले भारतीय टीम 22 सितंबर से 25 सितंबर तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। वहीं इस सीरीज के बस 3 दिनों के बाद 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में जहां भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका नहीं मिला, तो वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार को नहीं रखा गया है। इनके बाहर होने के कारण बताते हुए BCCI ने एक नोट लिखा है। BCCI ने अपने नोट में कहा कि हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार भारत में होने वाली घरेलू सीरीज के दौरान बेंगलुरु में NCM अपनी रिपोर्ट करेंगे। उस दौरान उनकी रेगुलर फिटनेस को मॉनिटर किया जाएगा। इस दौरान तीनों खिलाड़ी अपने फिटनेस पर काम करते हुए नजर आएंगे। इसका सीधा मतलब है कि उनको फिटनेस को लेकर समस्या है। ऐसे में उनको विश्व कप टीम में जगह देने की गलती चेतन शर्मा की अगुवाई वाले चयन समिति और कप्तान रोहित शर्मा क्यों पड़ रहे हैं। ये फैसला टीम पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। वहीं 23 अक्टूबर को विश्व कप के पहले मुकाबले में भारत का सामना चिरप्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होने वाला है, जहां पर भारतीय टीम बदला लेने के लिए मैदान पर उतरेगी। टीम की बात करें तो T20 विश्व कप के लिए रोहित शर्मा कप्तान, KL राहुल उप कप्तान, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, यजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह नजर आएंगे। वहीं स्टैंड बाई खिलाड़ी के रूप में मोहम्मद शामी, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई और दीपक चहर नजर आने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज की बात करें तो रोहित शर्मा कप्तान, KL राहुल उप कप्तान, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत विकेटकीपर, दिनेश कार्तिक विकेटकीपर, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, यजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी, हर्षल पटेल, दीपक चहर और जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे। वहीं अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के दौरान रोहित शर्मा कप्तान, KL राहुल कप्तान, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत विकेटकीपर, दिनेश कार्तिक विकेटकीपर, रविचंद्रन अश्विन, यजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शामी, हर्षल पटेल, दीपक चहर और जसप्रीत बुमराह नजर आने वाले हैं। कमेंट करके बताएं कि इन तीनों टीमों के बारे में आपकी क्या राय है और क्या भारतीय टीम T20 विश्व कप अपने नाम कर सकती है, ये भी हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं।